टू फाइंड द वेट ऑफ ए गिवन बॉडी यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। इस एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए एक ग्रेविसेंस अपरेटस, स्लॉटेड वेट्स, एक अननोन वेट, थ्रेड, पिंस, मिरर स्ट्रिप्स, पेंसिल और एक ड्राइंग शीट। सबसे पहले ड्राइंग शीट को हम यहाँ पे इसके नीचे फिक्स करेंगे। ये स्लॉटेड वेट जो है वो थ्रेड की हेल्प से इन दो पुलिस के ऊपर से पास करने हैं और सेंटर में हमने अननोन वेट जो है उसको हैंग करना है। इस थ्रेड की हम मिरर की हेल्प से इस पेपर पे पोजीशन को नोट करेंगे। ये हमने ऐसे नोट करना है कि ये थ्रेड और इसकी इमेज एक ही लाइन में आए और इसकी इमेज जो मिरर में दिखाई दे रही है वो दोनों एक ही सेध में रहे। पी है 50 ग्राम, क्यू भी 150 है तो क्यू को हम इस तरफ मेंशन कर देंगे 150 ग्राम। और यहाँ से हम एक पैरेललोग्राम पूरा कंप्लीट करेंगे। फिफ्टी ग्राम के लिए हम 1 सेंटीमीटर स्केल चूज़ करेंगे, तो यहाँ पे 150 ग्राम है इसलिए हम 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे। 3 सेंटीमीटर की ही क्यू की साइड से ड्रा करेंगे। करीब करीब 4.7 सेंटीमीटर है, अननोन वेट की वैल्यू होगी 4.7 × 50 ग्राम। और ये पी जो है वो 150 ग्राम, क्यू भी 150 ग्राम और 3 सेंटीमीटर 4.7 सेंटीमीटर और बेस में 235। सो आवर अननोन वेट इज 235। वेट बाय स्प्रिंग बैलेंस नोट करेंगे 28, डिफरेंस है 7। एक और ड्राइंग शीट का पेज लेकर के हम यहाँ पे इसको इन दोनों को थोड़ा सा लूज करके इनके बीच में फिट करेंगे सेकंड सेट के लिए। और यहाँ से स्क्रू की हेल्प से हम इसको स्लॉटेड वेट्स की वैल्यू हम थोड़ी कम कर देंगे। पी की वैल्यू कम कर दी, क्यू को वही रहने दिया तो इसकी लोकेशन चेंज हो गई कि मिरर की हेल्प से ट्रेसेस लेंगे और सेंटीमीटर में उसको कन्वर्ट करेंगे। पी है 100 ग्राम और क्यू है 150 ग्राम। पी 100, क्यू 150, ये 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4.6, 230, 230, दिस इज 220, सो 1
ये जो सेट आ रहे हैं ड्राइंग शीट के, ये भी हमने प्रैक्टिकल फाइल में पेस्ट करने हैं। थर्ड सेट में हमने ये 100 ग्राम लिया है, ये भी 100 ग्राम लिया है, और ये जो भी इसकी पोजीशन आ रही है इसको भी हम नोट करें। P100, Q100, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4.6, 230, अगेन 230, 220, सो दिस इज 2, 3, दिस इज इक्वल टू 5.96/3, एंड दिस कम्स आउट टू बी 231.7 ग्राम। रिजल्ट है 231.7 बाय 220, सो डिफरेंस इज 3.7 डिवाइड 1.6%।